बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने लगे मसूर की दाल और अंडे। मसूर की दाल हमने लिया है 1 पाव। मसूर की दाल हमने आधा घंटा के लिए भिगो के रख दी थी। और हमने लिए हैं 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, और 1 हमने चम्मच लहसुन का लिया है, 3 मिर्चें ली हैं बरी बरी काट ली हैं, और 1 मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है। अंडे हम अब तोड़ लेते हैं बाउल में। अब इसमें 1 चुटकी नमक डाल लेते हैं और इसे फेंट लेते हैं। अंडा हमने फेंट लिया है, अब हम इसे करते हैं फ्राई। अब हम करते हैं चूल्हा ऑन। आग हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। इसमें डालते हैं 3 से 4 चम्मच ऑयल के। इसे गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं अंडा। अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, अब निकाल लेते हैं प्लेट में से। अब हम डालते हैं इसमें 1/2 कप ऑयल। इसे गर्म होने देते हैं। आग हमने मीडियम से रखनी है। सबसे पहले डालेंगे हम सफेद जीरा। और हम डालते हैं 1 कड़ी पत्ता और 1 बड़ी इलायची डालते हैं। और छोटी छोटी हम डाल देते हैं दालचीनी के टुकड़े हैं। और 3 से 4 हम डालते हैं लौंग। अब हम डालते हैं 1 चम्मच लहसुन पाउडर। लहसुन को ज्यादा हमने गोल्डन नहीं करना है। इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे हल्का हल्का ब्राउन करना है। अब इसमें डालते हैं सब्ज मिर्च। एक मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। टमाटर हमारे पक चुके हैं, अब डालते हैं हम 2 चम्मच कूटी हुई मिर्च और 1.5 चम्मच हमने लिया नमक का। और 1 चम्मच हमने लिया धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने लिया अदरक पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए।
मसाला हमारा भून चुका है, अब डालते हैं मसूर की दाल। दाल हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं, इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। दाल हमारी भून चुकी है, अब इसमें डाल देते हैं पानी। पानी इसमें डालेंगे हम 1 लीटर। अब इसे आने देते हैं, उबाल आने के बाद इसे ढाँप देंगे। दाल हमारी को उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं, अब इसे ढाँप देते हैं। दरमियान में हम दाल को देखते रहेंगे, दाल अभी पकी नहीं है, अभी टाइम और भी लगेगा इसे। अब दोबारा हम ढाँप के रख देते हैं। नाजरीन 30 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हम दाल को। दाल हमारी पक चुकी है, अब हम डालते हैं फ्राई किए हुए अंडे। दो मिनट के लिए इसे भून लेते हैं साथ। ये सालन बहुत ही मजे का बनता है। मसूर की दाल पककर तैयार हो चुकी है। नाजरीन आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारी नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज।